एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय इंग्लिश का गृह कार्य, जो कि दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य के अंतर्गत हमें वर्कशीट 37 दी गई है, जिसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में दे रखा है लुक एट द पिक्चर एंड रीसाइट द राइम। यहाँ हमें एक राइम दे रखी है, एक पोइम दे रखी है, हमें क्या करना है उसे सुनाना है। और यहाँ जो पिक्चर्स दे रखी हैं उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है। तो राइम है, रीड अ लिटिल राइट अ लिटिल डू दिस एवरी डे। रीड और राइट करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लव अ लिटिल लाफ अ लिटिल, लव करना चाहिए एक दूसरे से, लाफ हंसना चाहिए, ठीक है। डू दिस एवरी डे, जम्प अ लिटिल डांस अ लिटिल डू दिस एवरी डे, sing a little smile a little do this every day, play a little eat a little do this every day। तो यहाँ हमें एक राइम में बताया गया है कि हमें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, हंसना चाहिए, कूदना चाहिए, डांस करना चाहिए, गाना चाहिए, स्माइलिंग करनी चाहिए, खेलना चाहिए और खाना चाहिए। ये चीज़ें जो है हमें प्रत्येक दिन करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जैसे फर्स्ट पिक्चर है राइट से रिलेटेड रखी है, सेकंड में डांस है, सिंगिंग है, ठीक है, नेक्स्ट में है लाफिंग, ठीक है, हंस रहा है बच्चा, खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए इस राइम में दे रखा है डेली बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। अब यहाँ पिक्चर्स दे रखी है जिनसे रिलेट हमें कुछ एक्शंस दे रखे हैं जिन्हें हमें मैच करना है सही एक्शन के साथ सही पिक्चर को। फर्स्ट है डांस, तो डांस यहाँ कौन सी पिक्चर शो कर रही है, एक गर्ल है जो डांस कर रही है, तो हम इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है लाफ हंसना, तो यहाँ हंसने पर मैच कर देंगे। प्ले यानी खेलना, तो यहाँ खेलने को मैच कर देंगे। और राइट लिखना, इसे मैच कर देंगे। तो इस तरह से इस वर्कशीट में हमने देखा एक राइम और कुछ पिक्चर से रिलेट कुछ एक्शंस जो कि हमने मैच किए हैं। तो ये था आपका कक्षा 3 के विषय इंग्लिश का कंप्लीट गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी गृह कार्य देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।